Hello, my dear children. This is Shikha Arora, and today we are going to start with class 7 science, chapter number 5, physical and chemical changes. So let's begin the chapter. The main aim of this chapter will be the physical changes, chemical change, corrosion, crystallization. Have a look on warm up, children. A square piece of paper has been cut into 4 pieces as shown in the figure. Can you join the pieces back to make the original piece? बताओ क्या आप इनको ज्वाइन कर सकते हो? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल पीस जैसा नहीं होगा. इज देयर एनी चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेपर? आप बताओ कि हम चाहे पेपर को जितना मर्जी छोटा काट लें, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम ही रहेंगी एज कंपेयर टू द ओरिजिनल पेपर. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश चेंज. तो इस टाइप के चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. List two reversible and two irreversible changes. Reversible change मतलब जिसको हम दोबारा से वैसा ही कर सके, जैसे कि stretching of a rubber band. आप rubber band को stretch करो, उसकी shape और size दोनों ही change हो जाएंगे, but लेकिन जैसे ही उसको release करेंगे, it will again regain its original shape. ऐसे ही ice को अगर हम melt कर दें तो वो water बन जाएगी, और water को freeze कर दें तो वापस से ice बन जाएगी. तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हुए रिवर्सिबल चेंजेस के. और इरिवर्सिबल चेंज, टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड, ड्राइंग ऑफ लीव्स, इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों चेंजेस इरिवर्सिबल चेंज है. ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से भी इन्हें लिस्ट डाउन कर सकते हैं. द वर्ल्ड अराउंड अस इज इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स. Everything from the weather and inanimate objects to people and moods undergoes continuous changes. तो आप क्या देखते हो अपने आसपास? हर चीज में, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सभी में changes होते हैं. जैसे कि सबसे बड़ा change क्या है कि day जो है वो night में change हो जाता है, और night वापस से day में change हो जाती है. दिन के time में sun होता है और रात के time में moon आ जाता है, है ना? दूसरी चीज, आप अपने आप को ही देखो. पहले आप छोटे से बेबी थे, अब आप कितने बड़े हो गए हो. यू आर स्टडिंग इन क्लास 7, और कभी आपको बोलना भी नहीं आता था. तो ये सारे भी आपकी बॉडी में बहुत सारे क्यों हुआ है? क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. इवन विद इन आवर बॉडी चेंजेस अकर एज वी ईट, ब्रीथ, टॉक एंड स्लीप. ह्यूमन एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑल्टरेशन इन द एनवायरमेंट. Changes manifest in various ways. Some are rapid change. कुछ changes ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही slow changes होते हैं. Some are desirable while others are undesirable. Changes can be periodic or non-periodic as well as physical and chemical changes in nature. Changes around us. हर चीज बच्चों change होती है. हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं सब चीजें change होती हैं. अगर आप एक पौधे को ही देखो तो कुछ टाइम पहले वो बिल्कुल सीड होता है, उसके बाद उसमें से स्प्राउट्स आते हैं, फिर क्या होता है, फिर वो छोटा सा प्लांट बनता है, फिर बड़ा प्लांट, और एक दिन बड़ा सा ट्री बन जाता है. सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक छोटे से सीड से कितना बड़ा प्लांट बन जाता है. सो दीज आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस अराउंड अस. Some of the changes observed by us in our everyday life are the formation of curd from milk, cooking of food, burning of fuel, drying of clothes, ripening of fruits and rusting of iron. अब कुछ changes ऐसे होते हैं जो हमारे लिए beneficial होते हैं, और कुछ changes ऐसे होते हैं जो हमारे लिए beneficial बिल्कुल भी नहीं होते. जैसे कि beneficial changes, milk को हमने curd में change कर लिया. तो curd क्या है? Curd एक probiotic है जो हमारी health के लिए बहुत अच्छी है. वहीं अगर हमारा food spoil हो गया due to action of bacteria, तो क्या होगा? आप क्या वो खाना खाओगे? नहीं खाओगे. यू विल नॉट ईट दैट स्पॉइल्ड फूड. तो इसमें क्या है, ये एक अनडिजायरेबल चेंज हो गया जो हम नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी हो गया. सो वी ट्राई मेक द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स फास्टर बाय आर्टिफिशियल मेथड्स. ऑन द अदर हैंड, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ हार्मफुल चेंज. सो वी ट्राई टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन बाय वेरियस मेथड्स. द चेंज इन अ सब्सटेंस दैट नॉट अकर ऑन इट्स ओन. सब्सटेंस के अंदर चेंज अपने आप से नहीं होता है.
There is always a cause which brings about a change in a substance. For example, अगर आइस को भी हमें वाटर में मेल्ट करना है तो हमें आइस को रूम टेम्परेचर पे छोड़ना होगा. That means ice will absorb heat from the atmosphere and will transform into water. Ice must be given some heat to melt and change into water. Thus, heat is the cause of change of state of ice from solid to liquid. Now, type of changes, children. हम इस चैप्टर में टू टाइप के चेंजेस पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट है फिजिकल चेंज एंड द सेकंड इज केमिकल चेंज. सो फिजिकल चेंज, एज द नेम इंडिकेट, ये वो चेंजेस होते हैं जो टेक प्लेस करते हैं इन द फिजिकल स्टेट, कलर, साइज, इन सब चीज़ों में जो चेंजेस आते हैं, ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं. फिजिकल चेंजेस ज़्यादातर टेम्प्ररी होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं. इनके अंदर कोई कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आता है. सब्सटेंस का जो कॉम्पोजिशन है वो एज सच ही रहता है. जैसे आपने आइस को लिया, और उसको आपने टेबल पे रख दिया रूम टेम्परेचर पे, तो हम क्या देखते हैं, आइस चेंजेस इनटू वाटर, और वाटर को हमने हीट अप कर दिया तो वाटर से क्या बन गया, स्टीम बन गई. अब अगर मैंने स्टीम को कंडेंस कर दिया तो इट विल अगेन फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड इफ दिस वाटर ड्रॉपलेट्स आर फ्रीज दे विल फॉर्म आइस अगेन. तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, चेंज कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आया. चेंज कैसा है, टेम्प्ररी है और रिवर्सिबल है. मैं आइस से वाटर बना सकती हूँ और वाटर से वापस से आइस बना सकती हूँ. तो ऐसे चेंजेस जो कि स्टेट में चेंज होते हैं या कलर में चेंज लाते हैं, साइज में चेंज लाते हैं, ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं. चेंजेस इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट, साइज, शेप, कलर एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. द केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स द सेम. मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयन इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज इट इज टेम्प्ररी. जैसे ही मैग्नेट हटाएंगे वापस से आयरन के पीसेस जो है वो फॉल डाउन कर जाएंगे. फिजिकल इन चेंजेस इन्वॉल्व फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. तो इसके अंदर किस किस चीज़ में चेंज आता है, साइज में चेंज आता है, शेप में चेंज आता है, कलर, स्टेट में अंडरगो चेंज. जैसे कि हमने बात करी थी रबर बैंड की, रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच कर दें तो आप क्या देखते हो, उसका साइज भी चेंज हो जाता है, उसकी शेप भी चेंज हो जाती है. लेकिन जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं वो अपनी शेप और साइज जो है वो रीगेन कर लेता है. तो ऐसे टाइप का चेंज जो है ये एक फिजिकल चेंज है. नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. कोई सब्सटेंस भी फॉर्म नहीं हुआ. मैंने रबर बैंड को स्ट्रेच ही तो किया था, सिर्फ उसकी शेप और साइज चेंज हुई थी, लेकिन उसका कोई कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना. इसीलिए इस टाइप के चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलेंगे. फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल बट सम कैन बी इररिवर्सिबल एज वेल. जैसे कि हमने एक पीस ऑफ पेपर लिया या एक पीस ऑफ क्लॉथ लिया, उसको अगर हम काट दें, छोटे छोटे पीसेस में काट दें, तो है तो ये एक फिजिकल चेंज, क्योंकि चाहे वो छोटा पीस ऑफ क्लॉथ हो चाहे वो बड़ा पीस ऑफ क्लॉथ हो, दोनों की प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन छोटे को हम बिल्कुल वैसा नहीं बना सकते जैसा वो ओरिजिनली था. इसीलिए ये भी एक टाइप का फिजिकल चेंज है, क्योंकि कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, कोई चेंज इन कॉम्पोजिशन नहीं आया. कटिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ इज अ फिजिकल चेंज बट यू कैन नॉट रिस्टोर द कट पीस ऑफ क्लॉथ टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. नाउ हैव अ लुक ऑन एक्टिविटी चिल्ड्रन. To test that the mixture of sand and water is a physical change. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें दो beakers चाहिए. You can see two beakers here. Some sand, some water and stir. तो अब आप क्या करोगे, आप एक beaker में sand डाल दोगे और उसमें पानी डाल दोगे. Pour some water into it and stir the mixture with a stir. A mixture of sand and water is obtained. अब आप इसको अलाउ कर दो टू रेस्ट फॉर सम टाइम. तो हम क्या देखेंगे कि वाटर तो ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और सैंड जो है वो नीचे, या मड जो है वो नीचे बैठ जाएगी. सैंड विल सेटल डाउन एंड वाटर विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर ओवर इट. तो अब हम इसे, इस प्रोसेस को क्या हो गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. अब डिकेंटेशन से हम पानी को अलग कर सकते हैं, पानी को हम दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हमें वाटर अलग मिल जाएगा और सैंड पार्टिकल्स या फिर मड जो है वो हमें अलग मिल जाएगी. वी केयरफुली पोर द वाटर इनटू अनदर बीकर, यू विल गेट सैंड एंड वाटर सेपरेटेड. कंक्लूजन, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज अ फिजिकल चेंज. इन दिस चेंज बोथ द सब्सटेंस आर हैव मेड अ मिक्सचर. दोनों ने एक मिक्सचर बनाया, लेकिन थोड़े टाइम बाद हम इस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. वाटर अलग किया जा सकता है और सैंड अलग की जा सकती है. सो दिस इज अ फिजिकल चेंज. दिस चेंज वॉज टेम्प्ररी, सो दिस इज अ फिजिकल चेंज.
Now another activity to test that melting of butter into liquid is a physical change. तो आपको इसके लिए थोड़ा सा butter लेना है, एक pan और एक burner लेना है. Take some butter in a pan, put it on the flame. It will soon melt and turn into liquid. Now remove the pan from the flame and let it rest for some time and observe. तो आप क्या observe करोगे कि वापस से जो liquid butter है वो वापस से solidify हो जाएगा. That means butter ने अपनी state change करी थी, वो solid से liquid हो गया था on heating. लेकिन जब हमने उसको cool किया तो वापस से it regained its original shape, original state. Molten butter will again turn into solid in some time. It was a temporary change in its states, that is physical property. Moreover, the change was successfully reversed, so this is a physical change. Activity 3 children, to test that making a ball out of dough is a physical change. तो आप क्या लो, आप थोड़ा सा गुथा हुआ आटा लो, जिसको हम बोलेंगे dough. एक rolling pin लेंगे और एक rolling board लेंगे. Make a ball out of a dough. Roll this dough with a rolling pin. इसे आप अच्छे से roll करेंगे और एक चपाती की shape देंगे. It will become flat and expand in size. Now pick it up again and press it round. और इसे हम वापस से वो ball बना सकते हैं और ball से वापस से चपाती की shape बना सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर size change हो रहा है, shape change हो रहा है, लेकिन properties change नहीं हो रही हैं. So ये कैसा change हुआ? ये भी एक physical change हुआ. You will observe that it has come back to its original shape, that is ball. Making a ball out of dough is a physical change. This was temporary change in size and shape of the dough and it was reversed. So, ये भी कैसा change हुआ? ये भी एक physical change हुआ. Now, activity 4. To test breaking of a glass bottle into pieces is a physical change. तो इसके लिए हमें क्या material चाहिए? इसके लिए हमें एक empty glass bottle लेनी है और एक hammer लेनी है. Now take the empty glass bottle. Now under the supervision of an elder, ये काम आप खुद मत करना, किसी बड़े की help से करना, क्योंकि कांच आपको चुभ सकता है. Strike it with a hammer and observe. The bottle will break into pieces. आप क्या देखते हो कि जो glass की bottle है उसके बहुत सारे pieces हो जाते हैं. तो ये कैसा change है भाई? इन pieces को जोड़कर हम वापस से दोबारा bottle तो नहीं बना सकते, लेकिन जो हर piece है, जितने भी pieces of glass हुए हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज वैसी ही है जैसे कि ग्लास बॉटल की थी. इसीलिए ये जो चेंज है, दो इट इज़ इरिवर्सिबल, लेकिन फिर भी ये एक फिजिकल चेंज ही है. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास बॉटल इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज. द ब्रोकन पीसेस कैन नॉट बी जॉइंड टू गेट द बॉटल बैक, बट एवरी पीस ऑफ द ग्लास इज रिटेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लास, सो इट इज अ फिजिकल चेंज. एक्टिविटी 5, टू टेस्ट द चेंज इन कलर ऑफ स्टील ब्लेड is a physical change. तो इसके लिए हमें एक material क्या चाहिए? Steel blade चाहिए, tongs चाहिए and a gas burner. आप क्या करोगे? आप tongs की help से steel blade को पकड़ेंगे और उसको gas की flame पे heat करेंगे. थोड़ी time बाद हम क्या देखेंगे कि जो blade है वो red हो जाएगा. Now take it away from the flame and observe again. It will cool down and lose its color. तो इसका मतलब क्या है कि change in color जो है वो एक type का physical change होता है. Changing ice into water is a physical change. Children, as we have already discussed, molecules of particle in ice are strongly attached to each other क्योंकि वो एक solid है. Solid में intermolecular spaces जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं and intermolecular force of attraction जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. और जब हम इसको heat supply करते हैं तो molecules क्या करते हैं? They gain kinetic energy and they start vibrating about their mean position. तो वो कोलाइड करते हैं आपस में और वॉल ऑफ द कंटेनर से, तो जिसकी वजह से उनके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और सॉलिड जो है वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. एज द हीट एनर्जी इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल्स मूव फादर अपार्ट एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट आइस सीजेस टू बी सॉलिड एंड चेंजेस टू अ लिक्विड, दैट इज वाटर. दस इन दिस चेंज ओनली द स्टेट चेंजेस बट मॉलिक्यूल्स रिमेन द सेम. सिर्फ स्टेट ही तो चेंज हुई है. जिस मॉलिक्यूल से आइस बनी हुई है उसी मॉलिक्यूल से वाटर भी तो बने हुए हैं. इसीलिए यहाँ पर ये जो चेंज है ये एक फिजिकल चेंज होगा. केमिकल चेंज. नाउ चिल्ड्रन, देयर आर मेनी चेंजेस इन द नेचर जिसको हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते. ऐसे चेंजेस परमानेंट चेंजेस होते हैं एंड दे आर इरिवर्सिबल, मतलब हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते. ऐसे चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द
सब्सटेंस फ्रॉम विच इट वॉज फॉर्म्ड. तो आइए देखते हैं केमिकल चेंजेस में क्या है. एवरी टाइम यू स्ट्राइक अ मैच, बर्न अ कैंडल और लाइट अ ग्रिल, यू विटनेस अ केमिकल चेंज. ऑल दीज चेंजेस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ वन और न्यू सब्सटेंस. द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज. तो केमिकल चेंज क्या है? ऐसा चेंज जिसकी वजह से नया सब्सटेंस बनता है, जिसका कॉम्पोजिशन जो है वो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट से सेपरेट होता है, डिफरेंट होता है. ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस. ये इरिवर्सिबल होते हैं एंड नेक्स्टली दे आर परमानेंट. केमिकल चेंजेस आर डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एटम ऑफ वन और मोर सब्सटेंस आर रीअरेंज्ड और कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. When a substance undergoes a chemical change, its chemical properties change. तो वहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि सिर्फ physical properties जैसे कि state हुआ, color हुआ, shape, size, वही change हो रहे थे. लेकिन यहाँ पर chemical changes में chemical properties ही change हो जाती हैं. With different chemical composition, chemical changes are usually irreversible and generally indicated by the evolution of gas and precipitate formation. Some of the examples of chemical changes are provided below. Baking a cake. तो जब आप एक केक को बेक करते हो तो चिल्ड्रन आप क्या मिक्स करते हो? आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हो. तो ये क्या होता है? This breaks down to form sodium carbonate and bubbles of carbon dioxide can be seen. This makes the cake fluffy and soft. बेकिंग अ केक इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. आप इससे वापस से रिफाइंड फ्लोर या फिर इससे आप बेकिंग सोडा नहीं बना सकते. जो बन गया है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो. इसीलिए बेकिंग ऑफ अ केक इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या इवॉल्व हुई? इसमें गैस भी इवॉल्व हुई जो है कार्बन डाइऑक्साइड. इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो डो है वो फ्लफी हो जाता है, फूल जाता है. Chemical reaction in which heat is absorbed by a substance are called as endothermic reactions. Now, Clickipedia children, sodium bicarbonate is also known as sodium baking soda or bicarbonates of soda. Its formula is NaHCO3. Lighting a firework. When you light a firework, a chemical reaction takes place leading to the formation of a new compound along with the emission of heat and light. Hence it is a chemical change. तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक टाइप का combustion reaction हो रहा है जिसमें आप किसी चीज़ को burn करते हैं. तो जब हम burn कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? Light भी निकल रही है, heat भी produce हो रही है, gases भी evolve होती हैं. So it is a type of a chemical change. And exothermic reaction, ऐसे reaction जिसके अंदर से heat निकलती है, heat exit होती है, उसको हम बोलते हैं exothermic reactions. और ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो बर्न लाइटनिंग अ फायरवर्क इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें से हीट और लाइट एनर्जी दोनों ही बाहर निकलती हैं. फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट इज आल्सो अ केमिकल चेंज. नाउ सी एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट केमिकल चेंज फॉर्म्स वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस. इसके लिए आप क्या लोगे? इसके लिए आपको चाहिए एक आयरन नेल, water, a glass bottle with a lid. Fill 3/4 of the bottle with tap water and drop an iron nail into it. Leave the bottle undisturbed for 2 or 3 days. Observe what happens. तो आप क्या देखेंगे कि जो नेल है वो रस्टेड हो जाएगा. नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी. दैट ब्राउन कलर की जो कोटिंग आई है उसको ही हम बोलते हैं रस्ट. Has a new brown substance formed inside the bottle? Yes. Now, look at the track your progress. Mark the following of the physical or chemical changes. Tearing of paper. Batao ab jaldi se, tearing of paper kaisa change hai? It is a physical change. Digestion of food. Digestion of food ko hum reverse nahi kar sakte. Isi liye ye ek chemical change hai. Rusting of iron. Similarly, rusting of iron में भी new substance बनते हैं जिसको हम वापस से reverse नहीं कर सकते. इसीलिए ये भी chemical change है. Melting of wax. It is a physical change. क्योंकि melted wax can again be solidified. Burning of magnesium ribbon. इसमें भी new substance बनता है, यानी कि magnesium oxide बनता है, जिसकी वजह से ये भी एक chemical change है.
Now, comparison of physical and chemical changes. No new substance is formed in case of physical change. New substance is formed in case of chemical change. It is usually temporary and reversible. लेकिन ये कैसा होता है? ये permanent होता है और irreversible होता है. It does not alter the chemical composition of the substance. लेकिन यहाँ पर chemical composition of a substance is changed. Heat or light is generally not involved in this type of change. लेकिन chemical change में heat as well as light energies are absorbed or released. Examples: tearing of paper, burning of camphor, melting of ice, breaking of glass. ये सभी examples हैं physical change के. और chemical change की बात करें तो baking a cake, burning of camphor, lightning firework, rusting of iron, digestion of food, ये सारे के सारे हमारे chemical changes हैं. Now have a look on activity, children. To test the reaction between baking soda and vinegar is a chemical change. तो आप क्या लोगे? आप एक ग्लास लोगे, सम बेकिंग सोडा लोगे और उसमें थोड़ा सा हम वेनेगर डालेंगे. तो इससे क्या होगा कि हम देखेंगे कि वहाँ पे बबल्स निकलते हुए हमें दिखाई देंगे. ये बबल्स क्यों बनते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें से गैस इवॉल्व होती है जो है कार्बन डाइऑक्साइड. दीज बबल्स आर बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वेनेगर एंड बेकिंग सोडा. दिस इज अ परमानेंट एंड इररिवर्सिबल चेंज, हेंस इट इज अ केमिकल चेंज. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने वेनेगर लिया. वेनेगर जो होता है, इट इज अ ऑर्गेनिक एसिड. तो इसका फॉर्मूला है CH3COOH. इसके अंदर आपने डाला बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज NaHCO3. नाउ यहाँ से हमारा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा और Na विल टेक प्लेस हियर. सो हमारा बनेगा सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर विल बी फॉर्म्ड. तो वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम एसीटेट विल बी फॉर्म्ड. टू टेस्ट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज. तो इसके लिए हमें एक मैग्नीशियम रिबन चाहिए. सैंड पेपर, स्पिरिट लैम्प, टोंग्स, रेड लिटमस पेपर, चाइना डिश एंड सम वाटर. तो हम क्या करेंगे? हम एक स्ट्रिप लेंगे मैग्नीशियम रिबन की और उसे क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर. अब इस रिबन को हम होल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ टोंग्स और इसे हीट करेंगे. Collect the ash produced in the china dish. Now dissolve it in some water and test the solution with litmus paper and observe. तो हम क्या observe करेंगे कि जो solution हमने बनाया है, जब हम उसको litmus से test करते हैं तो वो red litmus को blue में change करेगा. That means एक alkali बनी है, magnesium hydroxide बना है. कैसे बना है? आपने magnesium लिया, magnesium को आपने heat कर दिया oxygen की presence में, तो क्या बन गया? Magnesium oxide. तो जो हमने ऐश कलेक्ट की थी वो थी मैग्नीशियम ऑक्साइड. चिल्ड्रन, जब मैग्नीशियम बर्न करता है एयर की प्रेजेंस में, इट बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम. तो डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ ये बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है. और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एज द नेम इंडिकेट, हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेसिस होते हैं और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं. तो सिमिलरली ये भी वही काम कर रहा है, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है. तो हमने यहाँ क्या देखा कि भाई मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से बिल्कुल डिफरेंट है, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज. फिर आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डाल दिया तो उससे अनदर सब्सटेंस बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम ऑक्साइड से भी अलग हैं. सो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इंडिविजुअल से अलग होती हैं. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. द सोल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू. दिस शोज दैट अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन विच इज बेसिक इन नेचर. एज न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, दिस इज अ केमिकल चेंज. द रिएक्शन गोज लाइक दिस. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज. तो केमिकल चेंजेस जब भी होते हैं तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेट अस डिस्कस दैट. सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ गैस. चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसके अंदर से गैसेस जो है वो इवॉल्व होती हैं. जैसे कि आपने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए और जिंक ग्रैन्यूल का आपने रिएक्शन कराया डायल्यूट H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. हमने ये प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा है कि जब मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व.
अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है? जिस भी टेस्ट ट्यूब में से गैस बाहर आ रही है उसके माउथ के पास हम एक बर्निंग स्प्लिंटर लेकर जाएंगे तो वो बर्न करेगा विद अ पॉप साउंड, जैसे फायर क्रैकर्स की आवाज़ आती है ना, बिल्कुल वैसे ही आवाज़ के साथ वो बर्न करता है, जो हमें इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन गैस इज बीइंग इवॉल्व्ड. If we add zinc granules to a test tube containing dilute sulfuric acid, hydrogen gas will be evolved. When a burning matchstick is brought near the mouth of test tube, the gas burns with a popping sound. This is the test for hydrogen gas. Similarly, जब हम calcium carbonate को burn करते हैं या calcium carbonate को react कराते हैं HCl के साथ, so it will result in the formation of calcium chloride plus water plus carbon dioxide gas. आप इस गैस को पास कर दो लाइम वाटर से तो लाइम वाटर क्या होगा, मिल्की हो जाएगा. तो दिस इज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि हमारे रिएक्शन में जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. हैव अ लुक ऑन क्लिकीपीडिया. कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन ऑल्सो बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर इट. इट विल एक्सटिंग्विश द मैचस्टिक, दैट मीन्स इट इज नॉट अ कंबस्टिबल गैस, ये कंबस्टन को सपोर्ट नहीं कर रही. Change in color. In many reactions, the color of the product formed is different from those of the color of the reaction. So, color change could be a visible in chemical change. जैसे कि आप zinc granules लो, zinc granule को आप डाल दो copper sulfate में, तो copper sulfate being blue in color, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, blue vitriol. आपने कॉपर सल्फेट में जिंक डाल दिया तो जिंक से क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा एंड कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड. कॉपर ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, वो सेपरेट हो जाएगा और सॉल्यूशन का कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा. जिंक सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड विच इज कलरलेस एंड द डिपॉजिट ऑफ ब्लैक कलर कॉपर इज ऑब्जर्व्ड. व्हेन व्हाइट कलर्ड लेड नाइट्रेट, अब लेड नाइट्रेट कौन सा कलर का है, व्हाइट कलर का है, इसको अगर हम हीट कर देते हैं तो ये बनाता है लेड ऑक्साइड. लेड ऑक्साइड येलो कलर का है, साथ में ब्राउन कलर की गैस निकलेगी जो कि है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस विल आल्सो बी फॉर्म्ड. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. चिल्ड्रन, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है. प्रेसिपिटेट मतलब द सब्सटेंस विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब. तो देखते हैं वो कौन सा रिएक्शन है. जैसे कि आपने लिया बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड के अंदर आपने डाल दिया H2SO4, मतलब कि एक एसिड डाल दिया, डाइल्यूट एसिड डाला, तो हम क्या देखते हैं, बेरियम सल्फेट बन जाएगा जिसका प्रेसिपिटेट वाइट कलर का होगा और ये सेटल डाउन हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब और साथ में बनेगी हाइड्रोजन क्लोराइड. व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड व्हिच सेटल डाउन एट द बॉटम एज अ वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट. Production or absorption of heat. In some chemical reaction, heat may be either produced or absorbed. Reactions can be of two type on this basis. एक होता है exothermic reaction. Exothermic reaction का मतलब क्या है, जिसमें से heat बाहर निकलेगी. जब आप reaction करोगे तो उससे heat जो है वो exit out होगी. जैसे कि आप quick lime ले लो. Quick lime is calcium oxide. Calcium oxide के अंदर अगर आपने water डाला तो it will form calcium hydroxide. और जिस बीकर में आप ये बनाओगे अगर उसको आप टच करके देखोगे तो वो गर्म हो जाएगा. दैट मीन्स हीट इज गिवन आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन. दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. कॉन्सिक्वेंटली अ राइज ऑफ टेम्परेचर टेक प्लेस. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, स्लेक लाइम इज प्रोड्यूस्ड एंड वाटर बिकम्स वेरी हॉट ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ हीट. एंडोथर्मिक रिएक्शन. चिल्ड्रन, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. या फिर आप रिएक्शन देखिए कार्बन और सल्फर के बीच में. कार्बन और सल्फर का रिएक्शन तभी होगा जब आप उसको हीट सप्लाई करेंगे एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड. तो कार्बन डाइसल्फाइड का बनना ये जो रिएक्शन है दिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. दोज केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. कॉन्सिक्वेंटली द टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड इट फील्स कोल्ड टू टच. फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड सल्फर ऑन हीटिंग टूगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइसल्फाइड. दिस रिएक्शन इज अकम्पेन्ड बाय अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट.
प्रोडक्शन ऑफ साउंड. अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर साउंड भी प्रोड्यूस होती है. लाइक समटाइम्स ड्यूरिंग सम रिएक्शन सम साउंड मे बी प्रोड्यूस, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड. आपने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लो और उसको आप अच्छे से शेक करो एंड देन यू ओपन इट, तो उसके अंदर से क्या होता है, आवाज़ आती है और फिज बाहर निकलती है. सिमिलरली आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस विद अ हिजिंग साउंड इन अ रिएक्शन ऑफ वेनेगर एंड सोडा. जब आप वेनेगर और सोडा को मिक्स करते हो तो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलती है विद अ हिजिंग साउंड. ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जब हम HCl डालते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट विद अ हिजिंग साउंड. चेंज इन स्मेल. सम प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शन पोजेसेस अ पेक्यूलियर स्मेल. जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होगी किसी रिएक्शन में तो आपको वहाँ पे रॉटन एग की स्मेल आएगी, या फिर जैसे काले नमक की स्मेल होती है ना, उस टाइप की स्मेल आपको इसमें से देखने को मिलती है. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ आयरन सल्फाइड. आपने आयरन सल्फाइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट किया तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयरन क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी जिसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि एक सड़े हुए अंडे की होती है. रॉटन एग स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की. Corrosion or rusting of iron. Children, corrosion or rusting of an iron is an undesirable change, harmful change है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं हो, लेकिन ये नेचर में होता है. जब भी आयरन कंटैक्ट में आता है मॉइस्चर लेडन एयर के, एयर और मॉइस्चर जब इकट्ठा मिलके आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन कलर सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज रस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग. When iron objects are exposed to moist or humid air, their surface develops a reddish-brown flaky layer. This flaky layer is called rust, and the formation of rust is called rusting, which is a chemical process. Rusting is a slow process that gradually destroys the entire iron objects. आप क्या देखते हो कि जो flakes बनते हैं, ये flakes गिर जाते हैं, fall off हो जाते हैं, fresh जो हमारा मेटल है यानी कि आयरन है, अगेन इट इज़ एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर एंड ह्यूमिड एयर को एक्सपोज हो जाता है, फिर से रस्ट बनती है. तो इसकी वजह से जो हमारा मेटल है वो ग्रेजुअली ईटन अप होता रहता है, ग्रेजुअली ख़त्म होता जाता है. एज रस्ट लेयर फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सर्फेस, इट एक्सपोजेज द फ्रेश लेयर ऑफ आयरन बीनीथ. द रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज शोड बिलो. तो यहाँ पे क्या है, आयरन in the presence of oxygen and water results in the formation of iron oxide with x molecules of water. The process of rusting is facilitated by the increase in the moisture content of air. Iron is an important metal used in many buildings, bridges, cars, ships, trucks, gates, tools and many other useful items. Isliye rusting of iron causes significant monetary loss. Corrosion, जैसे आपने देखा कि आयरन का जब corrosion हुआ तो उसको हमने बोला rusting, लेकिन जो different different metals होते हैं वो भी तो eaten up होते हैं due to the presence of moisture in the air, तो ऐसे process को हम बोलते हैं corrosion. Corrosion is a gradual destruction of material by chemical reaction with the environment. Example includes tarnishing of silver. Silver जब air और water के contact में आता है तो वो भी काला पड़ जाता है, that means tarnish हो जाता है. Corrosion of copper and yellowing Taj Mahal. Rusting of iron is also a type of corrosion. Prevention of rusting of iron. Children, इसको prevent करने के लिए हमें iron को direct contact में air के और moisture के direct contact में आने से रोकना होगा. तो इसके लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. हम iron को paint कर सकते हैं, हम उसके ऊपर ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आजकल हम एक लेयर ऑफ जिंक उसके ऊपर चढ़ा देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वनाइजिंग. प्रिवेंटिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विद एयर एंड मॉइस्चर, दिस कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग मेथड्स. बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल टू द एक्सपोज पार्ट ऑफ द आयरन, पेंटिंग द सर्फेस ऑफ आयरन सब आर्टिकल्स, गैल्वनाइजिंग द सर्फेस ऑफ आयरन आर्टिकल. Galvanization is a process of depositing a layer of zinc over the iron. Electroplating the surface of iron articles with corrosion resistant materials such as nickel and chromium also prevents rusting.
The shining part of bicycles and bathroom fittings are often coated with chromium. तो जो shining आपकी tabs होती हैं या bicycle की जो handles बहुत shine मारते हैं ना, वो क्या है? Actually वो है तो iron ही, लेकिन उसके ऊपर coating की होती है chromium की, to protect them from rusting. Alloying. Iron can be alloyed with corrosion resistant materials or non-metals to form rust resistant material. जैसे कि stainless steel. अगर आप एक लोहे का चाकू लो तो उसके ऊपर रस्ट तो बहुत जल्दी लग जाएगा, लेकिन आपका जो स्टेनलेस स्टील का नाइफ है उसके ऊपर तो रस्ट नहीं आता, क्योंकि स्टेनलेस स्टील क्या है? इट इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन. आयरन में हमने दूसरे मेटल्स को मिक्स कर दिया है ताकि एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाए जो कि रस्ट प्रूफ होता है. एंड एग्जाम्पल इज स्टेनलेस स्टील एन अलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम विच डज नॉट रस्ट. Stainless steel is used to manufacture utensils, scissors, knife and surgical instruments. Now children, have a look on track your progress. The reddish brown flaky layer that forms on iron is called, kya bolte hain isko? You all know the answer. It is rust. Dash is the gradual destruction of material by chemical reaction with environment. It is corrosion. Dash of iron is a chemical change. Rusting of iron is a chemical change. In the process of galvanization, a layer of dash is deposited on iron. This is zinc. Zinc ki layer ko hum iron ke upar chadha dete hain. Now have a look on activity to demonstrate that rusting of iron requires both oxygen and water. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें तीन टेस्ट ट्यूब्स चाहिए जिनके अंदर एक स्टॉपर लगा हो, थ्री क्लीन आयरन नेल्स, बॉइल्ड और डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर चाहिए, वेजिटेबल ऑयल एंड मॉइस्चर फ्री एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. तो हम तीन टेस्ट ट्यूब लेंगे, उनको लेबल करेंगे ए बी सी, पुट वन नेल इन ईच टेस्ट ट्यूब और हर टेस्ट ट्यूब में एक आयरन नेल को डाल देंगे. पोर टैप वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए. Put a few pinches of moisture-free calcium chloride in test tube B. This removes any moisture from the air inside test tube. Pour boiled or distilled water in test tube C. Add a few drops of vegetable oil on the top of water. The oil layer will form a protection between the, it will not allow the air to enter the water. This will prevent the air from mixing with water, keeping it free from oxygen. Close all the three test tubes with stopper and leave them undisturbed for 3 to 4 days. So, what you will observe that iron nail in test tube A has developed rust. Aisa kyun hua? Kyunki wahan pe tap water tha, air bhi present thi. Lekin test tube B aur C mein aisa nahi hua. Kyun nahi hua? Kyunki test tube B mein oxygen to thi, but moisture nahi tha. और टेस्ट ट्यूब सी में वाटर तो था एंड दैट टू बॉइल्ड वाटर था और एयर नहीं थी. सो इसीलिए यहाँ पर हमें रस्टिंग शो नहीं होती. इससे हमें क्या प्रूफ होता है कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर दोनों ही ज़रूरी हैं. क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टल्स आर द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप. क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन by cooling and evaporating the solvent. जैसे कि आप चाशनी बनाते हो घर में, है ना, मम्मी चाशनी बनाती है ना, हम क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं, उसको बॉयल करते हैं, उसमें चीनी डाल देते हैं. हम उसमें इतनी चीनी डालें कि एक ऐसा सोल्यूशन बन जाए जो सैचुरेटेड हो, मतलब अब उसमें एक्स्ट्रा चीनी डिजॉल्व नहीं होने वाली. अब आप उसको रख दो ठंडा होने के लिए, तो थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे कि वहाँ पर वाइट कलर की लेयर बन जाएगी, मतलब चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज कर जाएगी. क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बच्चों आप जलेबी पे भी देख सकते हो. गर्मा गर्म जलेबी लेकर आओ और उसको रख दो थोड़े टाइम के लिए. जब वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो आप क्या देखते हो, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है चीनी की. दैट इज क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइजेशन हो गया. इट इज अ फिजिकल चेंज जनरली यूज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेज बाय रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. इन दिस प्रोसेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. इट इज मेयरली अ चेंज ऑफ स्टेट. Possibly from a mixture to solution to crystalline state. Crystal can be obtained from substances like alum, sugar,
copper sulfate, urea, common salt and others. When heated, blue copper sulfate crystals turn white due to loss of water of crystallization. And this process is called as dehydration. अगर आप copper sulfate का solution लेकर आते हो तो वो blue color का होता है और अगर हम उसे heat कर देते हैं तो उसमें से सारा पानी उड़ जाएगा, it will turn anhydrous. तो anhydrous copper sulfate जो है वो white color का होता है क्योंकि उसके अंदर जितने भी water molecules थे वो सब escape out हो गए. अगर आप उसके अंदर अब एक drop of water डालते हो तो anhydrous से वो वापस से hydrated हो जाता है and it turns blue in color again. Gradual or slower evaporation of solvent gives larger and more perfect crystals. Now, activity to prepare clean and pure crystals of alum. Prepare a saturated solution of alum in hot water over a low flame. Suspend a small crystal tied to a piece of thread in the solution. Allow the mixture to cool. तो आप क्या देखोगे कि ये जो crystal आपने छोटा सा लगाया था इसके ऊपर ही बाकी का alum जो है वो crystallize out हो जाएगा and it will become a larger in size. Now have a look on Clickipedia. The iron pillar of Delhi is 7.21 meters high and weighs 6000 kg. Even after 1600 years it has not rusted. Melting and boiling of substance are not chemical changes. In these process only state of substance change. The arrangement of molecules in the substance change but no new substance is formed. Rusting of iron occurs in presence of both oxygen and water. If either is absent, rusting will not take place. Have a look on Wonder Box. Antoine Lavoisier. In 1785, Antoine Lavoisier, a French chemist, discovered the correct explanation for the occurrence of combustion reaction, demonstrated that it requires the presence of oxygen. Alfred Bernhard Nobel was a Swedish chemist, engineer, innovator, armament manufacturer and the inventor of dynamite. He owned Bofors, a major armament manufacturer, which he had transformed from its original role as an iron and steel mill. Nobel bequeathed his vast fortune to establish the Nobel Prizes. Now have a look on keywords. Physical change. Change in which no new substance is formed are called physical change. Galvanization, the process by which iron objects are coated with zinc to prevent rusting. Chemical change, any change that alters the chemical properties of substance or results in the formation of new substance. Crystal, a solid in which atoms are arranged in regular pattern. Crystallization, the process by which an impure compound is converted into crystals. Now review zone. First is tick the correct option. See the first one. When no new substance is formed, it is a physical change. So you will tick the physical change. Burning of magnesium ribbon is a chemical change. Turning of ice into water. ये कैसा change है? ये एक physical change है. On heating, blue copper sulfate turns white. A chemical reaction in which energy is absorbed. ऐसे reaction को हम बोलते हैं endothermic reaction. Now fill in the blanks. The brown flaky substance covering on the surface of iron object is called, you all know the answer. Yes, tell me. It is rust. Photosynthesis in plants is a chemical change. Magnetizing of an iron piece is a physical change. Chemical name of soda, baking soda is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate is the chemical name of baking soda. State whether the following statements are true or false. Melting of wax is chemical change. Nahi, it is a physical change. Respiration is a physical change. Nahi, it is again false. In an exothermic reaction, heat is absorbed. False. Rusting of iron is a chemical change. Yes, bilkul, this is true.
A change that is temporary and reversible in nature. This is called as physical change. A chemical reaction in which heat is absorbed by the substance. It is called as endothermic. Endothermic reaction. The processes of depositing a layer of zinc over iron is called as galvanization. The gradual destruction of material by chemical reaction with environment, this is called as corrosion. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.